गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी ये जो 11th की बायोलॉजी की क्लास है वो स्टार्ट हो गई है, तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी अपनी क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में अपने साथ जुड़े हुए थे, जो पढ़ रहे थे, उनका जो डाउट था वो डाउट भी अभी मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी क्लास के साथ आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपके जो भी स्टूडेंट्स के जिनके जो डाउट थे वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और पिछली क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, जिससे क्या है कि आपकी जो पिछली क्लास और ये क्लास है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पिछली क्लास में जो हमने कोशिका वाला टॉपिक समझाया था उसमें कुछ डाउट रह गए थे, और एक मैंने संरचना समझाई थी आपको, वो संरचना थी तारक का या सेंट्रियोल। राधिका नाम की स्टूडेंट्स थी, उसके क्या था ये प्रॉब्लम थी कि मैडम तारक का या सेंट्रियोल था उसको आप वापस समझाओ, तो जो पिछली क्लास का थोड़ा सा पोर्शन था वो मैं आपको वापस समझाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने आपको संरचना बताई थी, जो हमने टेबल पढ़ी थी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है वो किस किस में पाई जाती है, या जंतु कोशिका में और कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं होती है जो पादप कोशिका में नहीं होती, या पादप कोशिकाओं की ऐसी कौन सी संरचना होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती। तो हमने कुछ संरचनाएं पढ़ी थी जिनमें एक संरचना पढ़ी थी हमने कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। उसके बाद दूसरी हमने संरचना देखी थी वो थी लवक, जो मैंने बताए थे जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बड़ा था। उसके बाद हमने देखा था रसदानी, यानी ये तीनों ऐसी संरचनाएं थी जो पौधों की कोशिका में उपस्थित थी जबकि जंतुओं की कोशिका में अनुपस्थित थी। तो ये संरचना है जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिका भित्ति, लवक और रसदानी, और ये संरचनाएं जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती है। उसके अलावा एक संरचना थी जिसको बोला था तारककाय, तारककाय या इसको बोला जाता है सेंट्रियोल। ये एक ऐसी संरचना है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। और मैंने बताया था कि ये जो कोशिका होती है वो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायक होती है। तो स्टूडेंट्स के ये डाउट था कि बताइए तारककाय को वापस आप समझाइए, सेंट्रियोल या तारककाय क्या होता है। तो मैं बताती हूँ आपको, जो ये मान लो जंतु कोशिका है आपके सामने, और कोशिका में ये बार कोशिका झिल्ली, क्योंकि भित्ति तो नहीं होगी, आपको पता है पादप कोशिका में होती है भित्ति, तो इस कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होगी जो जंतु कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक पर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। फिर देखिए, जो कोशिका का केंद्रक है इसके अंदर जो द्रव्य होगा उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और जो बाहर द्रव्य होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब हमें इसमें संरचना डिस्कस करनी है, तारक का या सेंट्रियोल। तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें दो डंडे के समान इस प्रकार की संरचना पड़ी रहती है, एक आड़ी रहती है संरचना, एक सीधी रहती है, यानी दोनों 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं। ये जो दोनों संरचना होती है इनको क्या कहा जाता है, तारककाय, तारककाय। अगर इस एक संरचना का नाम पूछे तो इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और यदि दोनों को साथ में पूछे तो इसको बोलते हैं सेंट्रियोल या तारककाय। तो ये जो संरचना आपको दो दिखाई दे रही है, दो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों के समान जो संरचना होती है, ये संरचना क्या है, तारककाय है। ये संरचना सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप की कोशिका में नहीं पाई जाती। अब ये संरचना काम क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका का केंद्रक होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये एक गुणसूत्र, उसी प्रकार ये दूसरा गुणसूत्र, ये तीसरा गुणसूत्र। तो जब कोशिका का विभाजन होगा ना तो इस केंद्रक के जो गुणसूत्र है इनको बांटा जाएगा। अब केंद्र के गुणसूत्रों को बांटने के लिए कोशिका क्या करेगी, सबसे पहले तो अपना जो केंद्रक है ना उसको ये विलुप्त कर देगी। ये जो केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली है इसको ये कोशिका क्या करेगी, विलुप्त कर देगी। तो ये जो गुणसूत्र है ये फ्री हो जाएंगे, ये गुणसूत्र देखो कोशिका द्रव्य में तैर रहे हैं। अब जब कोशिका विभाजन करना है तो इन गुणसूत्रों को आधी आधी में बांटना है, क्योंकि इस एक कोशिका से हम दो कोशिका बनाने वाले हैं। अब अगर आप दो कोशिका बनाओगे तो आपको इनमें गुणसूत्र भी आधे आधे बांटने पड़ेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जितने गुणसूत्र है उसके आधे यहाँ पर भेज दिए, आधे यहाँ भेज दिए, नहीं, हम इन गुणसूत्रों को बीच में से तोड़ेंगे।
और बीच में से ये गुण सूत्र कब टूटेंगे, जब इधर से एक तार इसको खींचेगा और इधर से एक तार इसको खींचेगा। उसी प्रकार इस गुण सूत्र को एक तार इधर से खींचेगा और एक तार इधर से खींचेगा। इन तारों को खींचने के लिए जो यहाँ पर संरचना पाई जाती है ना, वो संरचना ही क्या है, तारक काय। ये जो डंडे के समान संरचना है ना, ये यहाँ पर उपस्थित रहेगी और एक यहाँ पर उपस्थित रहेगी। उसी प्रकार एक तारक काय यहाँ रहेगा और एक ये रहेगा, यानी कोशिका में फिर इनकी संख्या क्या बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अंदर गुण सूत्र बढ़ेंगे वैसे वैसे कोशिका द्रव्य में तारक काय का संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि सिर्फ एक जोड़े से तो नहीं होगा, एक जोड़े से तो एक गुणसूत्र टूटेगा तो इनकी संख्या क्या है बढ़ा दी जाती है। फिर ये तारक का, अब एक तारक का इधर रहेगा एक इधर रहेगा, तो तारक का क्या करेंगे, अपने अंदर से तार निकालेंगे, कई गुणसूत्रों को कंट्रोल करेंगे। देखिए ये जो है ना, सॉरी यहाँ पे ये तारक का नहीं होगा, इसका तार ही होगा जो इसी से जुड़ निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो तारक का है ये नहीं होगा, ये तार निकालेगा, ये तार कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा। यानी तारक काय तो दो ही होंगे, एक तारक काय ये और एक ये, लेकिन तारक काय क्या निकालेंगे, तार निकालेंगे। इस तारक काय ने इसको इधर से जोड़ा, इसने यहां से इसको जोड़ा, फिर दूसरे तारक काय ने इसको इस गुण सूत्र को यहां से जोड़ा और इसने ये जोड़ा। आगे मैं आपको पूरा डायग्राम बताती हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो तारक काय होता है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, तो किस प्रकार विभाजन में सहायता करता है मैं आपको बड़ा डायग्राम बना के समझाती हूँ। यानी ये आपके पास एक कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर क्या है, ये केंद्रक और केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी जब विभाजन होना स्टार्ट होगा, विभाजन होना स्टार्ट होगा तो ये जो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली विलुप्त होगी, विलुप्त होगी तो ये गुण सूत्र क्या है, फ्री हो जाएंगे। ये एक गुण सूत्र, उसी प्रकार ये दूसरा गुण सूत्र, फिर ये तीसरा गुण सूत्र, ये फ्री हो जाएंगे। अब जो तारक का है ना, वो तारक का है कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ है, अगर ये तारक का है कहीं पर भी होंगे ना तो वो क्या करेंगे, एक तो आ जाएगा इस सिरे पर और एक इस सिरे पर, फिर जैसे जैसे कोशिका विभाजन करने के लिए आगे बढ़ेगी ना, तो ये तारक का इधर गति करेगा और ये तारक का इधर गति करेगा, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये तारक का यहां पर है और ये तारक का यहां पर है। अब ये क्या करेंगे, ये गुण सूत्र पड़ा हुआ है, ये तारक काय अपने में से कुछ तार निकालेगा, ये तारक काय तार निकालेगा, कई सारे तार निकालेगा, ये जितने गुण सूत्र है उतने इसको तंतु या तार निकालने पड़ेंगे, ये इस प्रकार। अब इस तारक काय का एक तार आकर इस गुण सूत्र के इधर वाले भाग से जुड़ेगा और दूसरे वाले भाग से इस तारक काय का तार जुड़ेगा, उसी प्रकार इस गुण सूत्र से इधर वाले का तार जुड़ेगा, इस इधर वाले भाग से इधर वाले गुण सूत्र ये तारक काय का तार जुड़ेगा, उसी प्रकार इस गुण सूत्र के आधे भाग से इस तारक काय का तार जुड़ेगा और आधे भाग से इस तारक काय का तार जुड़ेगा। अब ये जो दोनों तारक काय है ना, एक ये और एक ये, क्या करेंगे, दोनों तरफ खिंचाव करेंगे, यानी गुण सूत्रों को खींचेंगे, गुण सूत्रों को खींचेंगे, तो इधर वाला तार इधर खींचना चाहता है, ये वाला इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा और ये वाले इधर खींचेंगे, तो गुण सूत्रों के अंदर तनाव होगा, जैसे ही तनाव होगा तो गुण सूत्र बीच में से टूट जाएगा, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया। अब क्या हो जाएगी अगली स्थिति, कि जो गुण सूत्र है वो फिर इस प्रकार रह जाएंगे, आधे आधे टूट जाएंगे, ये इस प्रकार गुण सूत्र हो गए, यानी एक एक लड़ियां इधर चली गई और एक एक लड़ियां इधर चली गई, ये गई नहीं, ये आपके कोशिका विभाजन में आगे विस्तार से आपके कोशिका विभाजन में आएगा। लेकिन अगर आपको तारक काय समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे पॉइंट समझ सकते हो कि तारक काय ने क्या किया, एक गुण सूत्रों को दो टुकड़ों में तोड़ दिया और अब ये कोशिका फिर क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो कोशिका विभाजन के लिए तारक काय आवश्यक थे, नहीं थे,
अगर ये संरचनाएं इनको नहीं तोड़ती तो गुण सूत्रों का विभाजन नहीं हो पाता, और अगर गुण सूत्रों का विभाजन नहीं हो पाता तो कोशिका में नए गुण सूत्र नहीं बन पाते, नहीं नहीं बन पाते तो कोशिका का विभाजन भी स्टार्ट नहीं हो पाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके तारकाय वाली संरचना थी जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, और काम क्या करती है, कोशिका के विभाजन का काम करती है। आया समझ में? नेक्स्ट, जो पिछली क्लास का ये डाउट था आपके तारकाय वाली संरचना का, जो मैंने आपको वापस से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं जो आगे जो सेल के दूसरे भाग होते हैं, उनमें सबसे पहला भाग आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दिया रहा है, अंतःप्रद्रवी जालिका, या इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने कोशिका के अंदर आप अगर पढ़ोगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दो प्रकार के भाग होते हैं, एक होते हैं जालिका युक्त भाग और एक होता है जालिका रहित भाग। यानी कुछ संरचनाएं कोशिका द्रव्य इस प्रकार की होती है जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती है, उनको बोलते हैं जालिका युक्त तंत्र, और जो संरचनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती है उनको बोलते हैं जालिका रहित ऑर्गेनिल्स। तो उन्हीं में एक संरचना आती है हमारे कोशिका द्रव्य में जो पाई जाती है, वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, यानी सबसे पहले मैंने आपको जब कोशिका स्टार्ट की थी तो क्या बताया था कि कोशिका के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, दो तो बाह्य आवरण जिसमें भित्ति और झिल्ली, दूसरा भाग था कोशिका द्रव्य और तीसरा भाग था केंद्रक। मैंने आपको बताया था कि ये तो कोशिका के मुख्य भाग है, इसके अलावा भी कोशिका में अन्य भाग होते हैं, और अन्य भागों में हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था, सबसे पहला हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका, और उसके बाद जो हम दूसरी संरचना पढ़ रहे हैं वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। राधिका सिकवाल गुड आफ्टरनून, रामदयाल गुर्जर गुड आफ्टरनून। राधिका सिकवाल आपके क्लियर हो गया तारकाय, ओके। अब हम जो दूसरी संरचना पढ़ रहे हैं वो है अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसके अंदर जो ये आपको बिल्कुल रिंग शेप में जो जाल संरचना दिख रही है ना, ये संरचना क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इस अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांटा गया, ये जो आपको येलो येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है केंद्रक, ये संरचना है केंद्रक, और ये वाला जो इतना भाग है ये क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए ये जो संरचना है ना पूरी कोशिका के अंदर एक जाल के जैसी फैली हुई है, यानी पूरी कोशिका को यह संरचना आधार प्रदान करती है, इसलिए संरचना को बोलते हैं कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन। आपको पता होगा कि कंकाल तंत्र किसको बोलते हैं, हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है ना उसको हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। कंकाल का मतलब होता है ऐसा तंत्र जो शरीर को आधार प्रदान करे, उसी को बोलेंगे कंकाल तंत्र, और जो कोशिका को आधार प्रदान करने वाला तंत्र है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। इसी कारण अंतःप्रद्रवी जालिका को बोला जाता है कोशिका का अंतःकंकाल। अब देखिए जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी दो प्रकार है अंतःप्रद्रवी जालिका के, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, और इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। तो अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की, खुरदरी और चिकनी। अब देखिए इसको खुरदरी क्यों बोला गया, इसको चिकनी क्यों बोला गया, आप देख रहे होंगे कि जो ये यहाँ से लेकर जिस ये वाला पार्ट है इस पर आपको ये कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है राइबोसोम, राइबोसोम, ये जो बिंदु वाली संरचना है ये है राइबोसोम। तो जो पूरी अंतःप्रद्रवी जालिका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर नहीं बल्कि इसके 2/3 भाग पर क्या रहते हैं, चिपके हुए राइबोसोम रहते हैं। अब राइबोसोम अगर इसके ऊपर चिपके हुए हैं तो एक तो देखो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है और एक ये बिंदु वाली संरचना दिखाई दे रही है, तो बिंदु वाली आपको दूसरी अंतःप्रद्रवी जालिका की तुलना में क्या है, थोड़ी सी खुरदरी हो गई है,
क्योंकि इसके ऊपर क्या उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए इसको बोल दिया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और कुछ उसका 1/3 भाग बचता है जिस पर राइबोसोम नहीं है, वो बिल्कुल चिकनी है, तो उसको बोल दिया चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये वाली संरचना है ये खुरदरी है यानी इसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या अपन बोल सकते हैं RER खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखना अंतःप्रद्रवी जालिका को दो भागों में बांट दिया गया है, जिस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित है उसको बोल दिया खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जिस भाग पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है उसको बोल दिया चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए जो राइबोसोम नाम की संरचना होती है ना, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी जो राइबोसोम होंगे वो संरचना क्या निर्माण करेगी, प्रोटीन। ये एक बिंदु जैसी संरचना हो रही है जो आपको दिखाई दे रही है, और इसका काम क्या है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करना। तो आप आंसर दे सकते हो कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, उनमें से प्रोटीन का निर्माण कौन सी संरचना करेगी, बताइए स्टूडेंट्स, आंसर दीजिए कि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, इनमें से प्रोटीन का निर्माण कौन सी संरचना करेगी, खुरदरी वाली करेगी या चिकनी वाली करेगी। आंसर दीजिए मेरे को, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उनमें से कौन सी संरचना है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। रामदयाल गुर्जर RER, यस करेक्ट आंसर, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या उपस्थित है, राइबोसोम, तो खुरदरी वाली बनाएगी प्रोटीन, और जो चिकनी वाली है वो बनाएगी वसा। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो खुरदरी, राधिका सिकवाल खुरदरी, सही है। तो देखिए आपने जब कोशिका झिल्ली पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस किस की बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका के अंदर खुरदरी वाली बनाएगी प्रोटीन और चिकनी वाली बनाएगी वसा, इन दोनों को फिर स्रावित किया जाएगा तो इनसे मिलकर क्या बनेगी, कोशिका झिल्ली। तो ध्यान रखना कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा बनाए गए प्रोटीन और वसा के द्वारा ही किसका निर्माण किया जाएगा, कोशिका झिल्ली का। तो ये आपको समझ में आया, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कोशिका में एक जाल की तरह होती है, ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी वाली होगी वो प्रोटीन बनाएगी और जो चिकनी वाली होगी वो वसा बनाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोशिका में कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं तो उनको उत्सर्जित करने का काम भी कौन करती है, अंतःप्रद्रवी जालिका करती है। कोशिका में ये किस प्रकार दिखाई देती है, पूर्ण रूप से मैं आपको एक कोशिका का डायग्राम बताती हूँ। देखिए ये आपको एक कोशिका दिखाई दे रही है, कोशिका के अंदर ये वाला जो भाग है ये क्या है, गुणसूत्र, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक दिखाई दे रहा है, जो आपको बिल्कुल ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये संरचना क्या है, केंद्रक है कोशिका में। और देखिए केंद्रक के बाहर जो ये आपको जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो है बीच में ब्लू कलर वाला ये, और उसके पास में जो पिंक कलर में या ये जो जाल जैसी संरचना है वो क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए इसके इस भाग पर ये कुछ बिंदु पाए जा रहे हैं, मतलब ये तो कौन सी है, खुरदरी है, और ये वाला लास्ट वाला पार्ट है इस पर राइबोसोम नहीं है, तो ये कैसी है, चिकनी है। ये वाली संरचना देखिए इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको हम बोलेंगे सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। आई समझ में आपको, कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका किस प्रकार की होती है,
केंद्रक के पास जो जाल जैसी संरचना होती है जिस पर आधी संरचना पर बिंदु दिखाई देते हैं और कुछ संरचना पर बिंदु नहीं दिखाई देते हैं, वही संरचना क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। जिस पर बिंदु जैसी संरचनाएं दिखेगी वो तो है खुरदरी, और जिस पर बिंदु जैसी संरचना नहीं दिखेगी वो है चिकनी। और देखिए आपको ये यहाँ पर कुछ मोती जैसी संरचना भी दिखाई दे रही है, ये क्या है? राइबोसोम। मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है वो मोती के समान संरचना होती है, और इसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण करना। आया समझ में आपको? अंतःप्रद्रव्य जालिका समझ में आई स्टूडेंट्स? दो प्रकार की खुरदरी और चिकनी, जो खुरदरी वाली होगी वो प्रोटीन बनाएगी और जो चिकनी वाली होगी वो वसा बनाएगी। जय सिंह से अदर्स टू ज्वाइन क्लास। मैं स्टार्टिंग से ही आपको स्टूडेंट्स को कहती आ रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा सके। भले ही आप इसका वीडियो बाद में देख सकते हो, लेकिन अगर बाद में आपके कोई डाउट रह गया तो वो डाउट कोई क्लियर नहीं करने वाला है। अगर आप साथ साथ में क्लास देखोगे तो आपके डाउट का क्लियर होगा। जैसे पिछली क्लास में स्टूडेंट्स ने देखा था जो ये राधिका सिकवाल थी, इन्होंने देखा था और इन्होंने उसी टाइम डाउट बता दिया था कि जो तारक काय है वो मैं समझ में नहीं आया, तो उस तारक काय का वापस आज मैंने समझा दिया। अगर ये क्लास बाद में देखते और इनको तारक काय समझ में नहीं आता तो इनका कोई आंसर नहीं मिलता। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ में क्लास अटेंड कीजिए और जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके बाद जो दूसरा झिल्लिका का तंत्र है वो मैं बताती हूँ, वो है गोल्जी काय। आगे संरचना आएगी गोल्जी काय। एक बार मैं सीधे ही आपको बता रही हूँ कोशिका में किस प्रकार रहता है। ये जो है कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के ऊपर क्या है? केंद्रक झिल्ली। और आपको पता होगा केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई क्या रहती है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक जुड़ी रहती है। इसका 2/3 भाग पर क्या उपस्थित रहेंगे? राइबोसोम। 2/3 का मतलब है कि यदि इस अंतःप्रद्रव्य जालिका की लंबाई 300 सेंटीमीटर होगी तो 200 सेंटीमीटर पर क्या उपस्थित रहेंगे? राइबोसोम, और उसका नाम हो जाएगा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या हम इसको कह सकते हैं RER। ये होगी RER और ये होगी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जय सिंह, क्लियर हो गया है? ओके। उसके बाद यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं राइबोसोम। ध्यान रखना, कोशिका के अंदर आपको पूछा जाए कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो राइबोसोम एक तो पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, देखिए ये संरचना आपको दिखाई दे रही है कोशिका में बिखरी हुई। दूसरे पाए जाते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। कौन सी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। और तीसरे पाए जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का अलग से डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। ठीक है, अब हम जो आगे वाली संरचना पढ़ेंगे, नाम लिखा हुआ है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। तो कोशिका में यहाँ पर कुछ ऐसी प्लेट के जैसी संरचना होती है, उन प्लेट के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। देखो ये जो संरचना है ना, क्या काम करेगी कि कोशिका का जो वेस्ट मेटेरियल है ना उसको उत्सर्जित करने का काम कौन करेगी? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ है ना, ये थैली के रूप में गया इस गोल्जी काय के पास। तो गोल्जी काय ने क्या किया, इस थैली को चेक किया। उसने सोचा कि भाई हो सकता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका ने इसको सही तरह चेक नहीं किया हुआ हो और इसके अंदर कुछ काम की चीज भी रह सकती है। तो गोल्जी काय क्या करेगा, अगर इस थैली के अंदर सिर्फ वेस्ट मेटेरियल है तो ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ काम की चीज भी है तो उनको वापस निकाल लेगा, और अगर काम की चीज नहीं है सिर्फ वेस्ट मटेरियल है तो गोल्जी काय क्या करेगा, इस थैली के अंदर ऐसे कुछ एंजाइम भर देगा जिससे ये थैली अपने आप नष्ट हो जाएगी।
तो देखो गोलजी का ऐसे पास होने के बाद जो ये थैली यहाँ पर निकली ना, इसके अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल है और कुछ ऐसे एंजाइम भी भरे हुए हैं, अपघटनकारी एंजाइम होते हैं जो इस थैली को अपने आप नष्ट कर देंगे। और इस थैली का यहाँ पर नाम हो गया लाइसोसोम। ध्यान रखना, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है बताइए, अंतःप्रद्रवी जालिका करेगी या गोल्जी का करेगा? आंसर दो मेरे को कि जो ये यहाँ पर एंजाइमो युक्त जो थैली निकली है कचरे की, इसका निर्माण किसने किया, गोल्जी का ने किया या अंतःप्रद्रवी जालिका ने किया? आंसर बताओ स्टूडेंट्स। जो लाइसोसोम बना है उसका निर्माण किसने किया, गोल्जी का ने या अंतःप्रद्रवी जालिका ने? लाइसोसोम बना है उसका निर्माण किसने किया, गोल्जी का या अंतःप्रद्रवी जालिका? राधिका सिकोल आंसर दिया है गोल्जी का। और कोई स्टूडेंट्स, लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, गोल्जी का ने या अंतःप्रद्रवी जालिका ने? लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया गया, गोल्जी का या अंतःप्रद्रवी जालिका? रामदयाल गुर्जर, गोल्जी का। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइसोसोम का निर्माण है वो किस कौन करता है, गोल्जी का, क्योंकि जो अंतःप्रद्रवी जालिका ने ये थैली निकाली थी ना, इसमें कंफर्म नहीं था कि सिर्फ इसमें कचरा ही है, क्योंकि ये डाउट में थी कि इसमें कुछ काम की चीज भी हो सकती है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, इसके अंदर ऐसे एंजाइम भी नहीं भरे हुए थे जो इस थैली को अपने आप नष्ट कर दे। लाइसोसोम हम उसी थैली को बोलेंगे जिसमें सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ हो और ऐसे एंजाइम हो जो इस थैली को नष्ट कर दे, ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो इस संरचना को इस संरचना में बदला किसने, गोल्जी का ने, यानी लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी का करता है। अब देखिए, ये जो लाइसोसोम है ये थैली कचरे से भरी हुई है और इसमें ऐसे एंजाइम होंगे अपघटनकारी एंजाइम जो इस थैली को अपने आप नष्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, कोई काम का नहीं है, तो ये थैली अपने आप नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड सेल ऑफ द सेल। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, क्योंकि ये थैली अपने आप ही विस्फोट होकर नष्ट हो जाती है। जो गोल्जी का है वो इस लाइसोसोम को बनाता है, इस थैली को चेक करने का काम करता है, इसलिए गोल्जी का को बोलते हैं कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। ध्यान रखना, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस या यातायात नियंत्रण पुलिस किसको बोलते हैं, गोल्जी काय को बोलते हैं। और कोशिका की आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। बताइए कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, आंसर दीजिए, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, जल्दी दो आंसर स्टूडेंट्स, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। छोटा राम प्रजापति, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था गोल्जी का, ऐसे ही है। अब आप आंसर बताइए कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोशिका का शक्तिग्रह। राधिका सिकोल, माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर। यानी कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का संचय होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का शक्तिग्रह। अब उसके साथ ये पॉइंट भी ध्यान रखना, गोल्जी का को बोलते हैं कोशिका की ट्रैफिक पुलिस और लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली क्यों कहेंगे, क्योंकि इस थैली में अपने आप अपशिष्ट पदार्थों का विनाश हो जाता है, ये विस्फोट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर अपघटनकारी एंजाइम भरे रहते हैं। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहते हैं, रामदयाल गुर्जर माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। और अंतःप्रद्रवी जालिका को बोलेंगे कोशिका का अंतःकंगा। तो समझ में आया आपको गोल्जी काय और लाइसोसोम। अब मैं आपको इसका डायग्राम के बताती हूँ। देखिए, जो आपके सामने ये संरचना दिखाई दे रही है, गोल्जी एपरेटस, यानी ये गोल्जी काय है,
इसके ये वाला भाग है ना, इसमें क्या होगी, जो ये लाइसोसोम बनेंगे धीरे धीरे, इसकी दो अवस्था है, ये है सिस फेज और ये है ट्रांस फेज। यहाँ से तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट बेसिकल, यानी यहाँ पर ये जो पुट्टी खाई ना, ये कहाँ से आई है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से आई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर से आई है। फिर गोल्जिका ने क्या किया, इसको अंदर चेक किया और चेक करके जो लास्ट में यहाँ पर इसने ये पुट्टी का ये निकाल रही है, इन्हीं को क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। आपको दिखाई दे रहा है जो गोल्जिका है बिल्कुल चपटे प्लेट के समान संरचना है और जो गोलाकार संरचना निकाल रही है उसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। मैं डायग्राम में आपको वापस बताती हूँ, कोशिका में गोल्जिका है और लाइसोसोम। देखिए ये संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जिका है। और ये इससे जो संरचना बन के इधर आ रही है, ये संरचना क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो आपको कोशिका के अंदर ये संरचना पता होनी चाहिए सबके। जो कोशिका में आपको कोई भी डायग्राम दिखा दे दिया कि ये बताइए संरचना कौन सी है, तो अगर आप उन संरचनाओं को पहचान सकते हो तो आप आसानी से कोशिका को याद कर सकते हो। अगर आप कोशिका देख के उसके अंगों को नहीं पहचान सकते, इसका मतलब आपको कोशिका वाला चैप्टर समझ में नहीं आया। अब ये जो संरचना, इसमें सब चीजें मैंने आपको दिखा दी है, ये है गोल्जिकाय, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली संरचना है लाइसोसोम, ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये है केंद्र, केंद्र में पाया जाता है डीएनए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने सारे ऑर्गेनेल्स के नाम भी लिख दिए। और ये क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। वैसे इसमें अभी पूरे डायग्राम में नहीं दिखाया गया, पूरे अंग तारकाय और नहीं दिखाए गए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में डायग्राम में दिखाया था तारकाय और सब थे, जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दिखाई गई थी। तो स्टूडेंट्स जो ऐसे डायग्राम लेबलिंग की वे होते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आगे आप जब भी बाद में पढ़ो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसका लेने का फायदा क्या है कि जो आपके बुक्स में डायग्राम होंगे, जो लेबलिंग होगी, वो आपको थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगी, लेकिन जब आप पहले इन डायग्राम को पढ़ लोगे अच्छी तरह, अगर आपको संरचना पहचानना आ गया तो फिर आपके बुक्स के डायग्राम है बहुत ईजी, आप उनको देख लोगे। वैसे मैंने आपको बता दिया पिछली में पादप कोशिका और जंतु कोशिका मैंने बताई थी, और इसमें भी जो एनसीईआरटी के डायग्राम है वो मैं आपको वापस आगे बता दूंगी। ठीक है, तो कोशिका के अंदर आपने गोल्जिकाएं देख ली, और गोल्जिकाएं से ये बन के क्या निकल रहे हैं, लाइसोसोम निकल रहे हैं, जो ये संरचना यहाँ पर जा रही है, ये संरचना क्या, लाइसोसोम यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ये गोल्जिकाएं इस प्रकार की संरचना है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ा, जो कोशिका के अन्य अंग थे। अब अन्य अंग में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए अन्य अंग में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आता है राइबोसोम, तीसरी आती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, चौथा आता है गोल्जिकाय, फिर है लाइसोसोम, फिर है लवक, उसके पश्चात है केंद्रक, केंद्रिका, सॉरी केंद्रक तो मुख्य भाग हो गया, और केंद्रक में होगी केंद्रिका, और उसके बाद होगा गुणसूत्र। इन सब संरचनाओं को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हमने कौन कौन से भाग देख लिए। तो देखिए हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पॉइंट था, कोशिका का क्या कहा जाता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा का संचय करता है, ये एक चपटी संरचना होती है, इस पर कितनी झिल्ली पाई जाती है, दो झिल्ली पाई जाती है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है और स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है, यानी ये अपनी प्रोटीन स्वयं बनाता है। ठीक है, ये भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, जो भी श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वसन केंद्र, कोशिका का श्वसन केंद्र। फिर हमने राइबोसोम के बारे में मैंने बताया, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री,
या राइबोसोम को बोलते हैं कोशिका का इंजन। ठीक है, इंजन यानी जो ऊर्जा देने का काम करता है, जो चलाता है कोशिका को। और आपको पता होगा किसी भी जीव चलाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होगी, और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। फिर हमने देखा अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको बोलते हैं कोशिका का अंतःकंकाल। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी बनाएगी राइबोस ये प्रोटीन, और चिकनी बनाएगी वसा। प्रोटीन बनाएगी आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और चिकनी वाली बनाएगी वसा। फिर हमने देखा था गोल्जी का कोशिका की ट्रैफिक पुलिस, जो किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का। फिर हमने देखा लाइसोसोम, इसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मैं वापस आपको बताऊंगी लवक, जो मैंने पहले भी आपको बता दी है कि लवक मुख्य रूप से बुक्स में अगर आप देखो डिवाइजन तो दो प्रकार भागों में बांटे गए हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक जो हरे रंग के होंगे वो होंगे हरित लवक, और जो अन्य रंगों के होंगे वो होंगे वर्णी लवक। और फिर दूसरे प्रकार के थे वो थे ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे? कोशिका के अंदर भोजन संग्रह का काम करेंगे। फिर अपन अलग भाग पढ़ेंगे केंद्रिका और गुणसूत्र। तो ये हमने स्टूडेंट्स अभी तक जो डिस्कस किया गोल्जी काय के बारे में देखा, उससे गोल्जी काय से क्या बन रहा है? लाइसोसोम बन रहा है। अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में देखा, और उसके अलावा हमने देखा कि कोशिका में जो जो भाग है वो कोशिका में कहां कहां पर पाए जाते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने इतने भाग लिखे ना, इनमें आपके जो बुक्स है उसमें दो भागों में बांटा गया, एक तो अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र का मतलब है कि जो भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? अंतःझिल्लिका तंत्र। और अंतःझिल्लिका तंत्र में जो जो भाग है वो मैं बताती हूँ। इसमें एक तो है अंतःप्रद्रवी जालिका, एक है गोल्जी काय, एक आपके ये लवक के आएंगे अगर पादप कोशिका है तो, और एक है लाइसोसोम। यानी ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। तो ये आएंगे अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है ये अंतःझिल्लिका तंत्र के पार्ट नहीं है। तो आप बुक्स में से ये भी लाइन याद रखना कि कोशिका के कौन कौन से अन्य अंग है वो अंतःझिल्लिका तंत्र में आते हैं और कौन से अंतःझिल्लिका तंत्र में नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ तक पढ़ा, इन सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा आपको लवक के बारे में वापस बताऊंगी, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे केंद्रिका और गुणसूत्र। और फिर थोड़ा सा टॉपिक कुछ बचता है कि कोशिका झिल्ली के कुछ अंतर्वलन है। आपने नाम पढ़ा होगा मीजोसोम आता है एक जी, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घूमकर किस प्रकार नई संरचनाएं बनाती है, और वो संरचनाएं कोशिका में क्या क्या काम करती है। यानी आपके सेल बायोलॉजी का टॉपिक में जो जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है वो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, जो भी प्रॉब्लम है आप बताना, और अगर आपको पूरा समझ आ गया तो भी आप थम्स अप करके मेरे को बताइए, ताकि पता चले कि हाँ स्टूडेंट्स को पूरा समझ में आ गया है। जो भी आपका डाउट हो वो आप डाउट लिख सकते हो, या अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो भी आप क्लियर लिख के भी भेज सकते हो, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया। फिर अमन नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका पोर्शन बचता है। अगर किसी के भी कोई भी जो इतने कोशिकांग पड़े इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। राधिका सिकवाल क्लियर है? ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही अपनी क्लास, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।